हम इस वक्त भरवारा मल्होर में हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता राम समुद यादव जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या चल रहा है चुनावी माहौल। सर पहले तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? मेरे हिसाब से हमारे यहाँ बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है और हमारे क्षेत्र में जो भी है व्यक्तिगत चेहरे पर चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ, ना कि किसी पार्टी या सिंबल पे। आप लोग किस प्रत्याशी को चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये बताइए। हम लोग गोपाल कनौजिया जी को बराबर फुल सपोर्ट कर रहे हैं और बराबर उनके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं हमारे क्षेत्र में, कहीं भी कोई समस्या कोई कठिनाई कोई दिक्कत आती है हर जगह खड़े रहते हैं। अच्छा आपके वार्ड में ही चुनाव हो रहा है तो कई पार्टियां भी मैदान में हैं, निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में गोपाल कनौजिया जी हैं, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस जगह पे उनको देखते हैं इतनी पार्टियों के बीच में? हम तो इनका बहुत बड़ा स्थान देख रहे हैं और कोरोना काल में 2020 में जैसे इन्होंने और हमारी टीम ने बहुत बढ़ चढ़ कर कई लोगों के यहाँ भोजन पहुँचाना, राशन पहुँचाना और पानी की व्यवस्था जो भी जितना हो सका हम लोग किए, और इनके लिए तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, छोटा भाई है और हम लोग इनके हर तरीके से पैसे से गाड़ियों से हर तरीके से इनके लिए मेहनत कर रहे हैं। आज आप लोगों ने एक वाहन रैली भी निकाली, उसके विषय में बताइए कैसी वाहन रैली थी और कितना सपोर्ट जनता से मिला उसमें? सबसे पहले मैं अपने वार्ड नंबर 14 की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो आज मेरे साथ पूरी क्षेत्र की जनता, और आप लोग देखे होंगे या लोगों से पता चला होगा, अभी किसी भी पार्टी की जो भी जिसने रैली की है इतनी गाड़ियाँ इतने लोग इतनी पब्लिक नहीं रही उनके साथ जितना हम लोगों के साथ पब्लिक रही, और बारिश होने के बावजूद कोई भगा नहीं हमारी रैली से। हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। किस लिए विश्वास करें मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमारे क्षेत्र की पूरी जनता हम लोगों को बहुत चाह रही और हर कंडीशन में हमें जिता के लाएगी। हमारे साथ हैं भरवारा मल्होर से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी गोपाल कनौजिया जी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर पहले तो आप बताइए कि आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं गोपाल कनौजिया वार्ड नंबर 14 मल्होर भरवारा का सभासद प्रत्याशी हूँ। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये देखिए आपका, अभी तक मैं जितने भी क्षेत्र में गया हूँ सबसे बड़ी रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है, शौचालय सही से नहीं बने हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, ये सब मेन मुद्दा है, इसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ और जितने के बाद मैं सबसे ज़्यादा काम इसी पर करना चाहूँगा। कई पार्टियां मैदान में हैं, सपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी, लेकिन आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब जनता के बीच में जाते हैं तो कैसा सपोर्ट उनके द्वारा आपको मिलता है? जनता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है, और हमारे साथ कई बड़े बड़े हस्तियां भी हैं, जैसे हमारे रंजीत चाचा माननीय ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं पहले रंजीत शिवपाल चाचा की पार्टी से, और हमारे खुर्शीद आलम भैया जी हैं, सत्येंद्र भैया जी हैं, कई लोग हैं ऐसे जो प्रत्याशी होने के बाद भी आज हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे अंसार भैया हैं वो BSP से प्रत्याशी थे लेकिन हमारे साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं। क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों और बड़े नेताओं का सहयोग आपको मिल रहा है, तो अब आप इस लड़ाई में अपने आप को किस जगह पे देख रहे हैं? लड़ाई में तो जनता के प्यार और आशीर्वाद से बहुत मजबूत दिख रहा हूँ और विपक्ष पार्टी भी काफ़ी वो कर रही है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल और जनता के उससे मैं ये कहना चाहता हूँ मैं जीतने के बाद जो भी समस्याएं उसको दूर करूँगा। भरवारा मल्होर से वरिष्ठ नेता खुर्शीद आलम जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और चुनावी माहौल का जायजा लेते हैं। सर कैसा चुनाव चल रहा है आपके क्षेत्र में, क्या देखने को मिल रहा है? हमारे क्षेत्र की राजनीति बहुत उल्टी पुल्टी है। इस क्षेत्र की राजनीति को समझने के लिए पहले यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ कितने प्रत्याशी हैं और कौन किस क्षेत्र से आ करके यहाँ चुनाव लड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग सांसदी लड़ते थे, विधायकी लड़ते थे, वो आज पार्षदी लड़ने चले आ रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों को कैसे वोट देगी?
और हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो गोपाल कनौजिया का कर रहे हैं। गोपाल कनौजिया एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस क्षेत्र की जनता इतना प्यार देती है जिसकी कोई आप इंतहा नहीं लगा सकते। और हम लोग पासमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं और पासमानदा मुस्लिम समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा पासमानदा मुस्लिम समाज पूरा का पूरा गोपाल के साथ में है और गोपाल कनौजिया ने हम लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो इसलिए आज पासमानदा मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। और हम लोग यही चाहते हैं कि ये वार्ड नंबर 14 से इस बार गोपाल कनौजिया जी विजय हों और क्षेत्र की जनता की भी यही आशा है कि गोपाल कनौजिया अगर जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अगर गोपाल कनौजिया जी नहीं जीतते हैं तो इन जैसे धूर्त लोग जो हैं ये अगर गद्दी पे बैठ गए तो इस क्षेत्र को लूट के बाराबंकी चले जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसी कारण से आज हमारा पासमानदा मुस्लिम समाज गोपाल कनौजिया जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। सर, ये जानना चाहेंगे कि आपके भरवारा मल्होर वार्ड में प्रमुख समस्याएं आप लोग क्या देखते हैं जिनका निवारण के लिए आप लोग गोपाल कनौजिया जी को सपोर्ट करके पार्षद बनाना चाहते हैं? देखिए, ये पहली बार नगर निगम में आया है ये वार्ड, इससे पहले प्रधानी होती थी। अच्छा, प्रधानों की लीला तो सभी जानते हैं कि प्रधान किस टाइप से काम करते थे, उनकी कार्यशैली क्या होती थी। आज स्थिति ये है कि 2.5 साल तक प्रधानों के पास बजट रहा, 2.5 साल तक उनके पास बजट नहीं रहा। तो क्षेत्र तो वैसे भी अपेक्षित है, नालियाँ बजबजा रही हैं, रोडें टूट चुकी हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निवारण करना है। और मेरी गोपाल जी से यही आशा है कि क्षेत्र की जनता उनकी तरफ आस की नज़रों से देख रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं भरवारा मल्होर वार्ड नंबर 14 की जनता से अपील करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को सभी लोग अपने घरों से निकल के मतदान करें। मतदान बहुत ज़रूरी है, मतदान से ही आपका भविष्य तय होता है, आपके बच्चों का भविष्य तय होता है, आपके क्षेत्र का भविष्य तय होता है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि वार्ड नंबर 14 से गोपाल कनौजिया जी को आप लोग विजय बनाएं। चुनाव निशान बंदूक है, 6 नंबर पे हम लोगों का निशान है, आप लोग उस निशान को दबा करके गोपाल कनौजिया जी को विजय बनाएं। हम थे इस वक्त भरवारा मल्होर वार्ड में, हमने पार्षद प्रत्याशी गोपाल कनौजिया से भी बात करी और उनके कुछ समर्थक बड़े नेताओं से भी बात करी। सभी का कहना है कि हमने गोपाल कनौजिया को सपोर्ट इसीलिए किया है क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं और समाज तथा वार्ड के हित में सोचते हैं। लोगों ने अपील करते हुए गोपाल कनौजिया के लिए कहा कि जनता से यही अपील है कि वो अपने वार्ड में निकलें और 4 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करके गोपाल कनौजिया को विजय बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।